हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी वर्क ऑन थ्रेड पेंटिंग। ओके, सो हियर रिक्वायरमेंट्स आर थ्रेड, सीजर, वाटर कलर्स, क्रेयॉन्स, water, brush and rough cloth. Okay, let's start. First you have to cut this thread in different size. ये जो thread है उसको आपको छोटी बड़ी साइज में कट करना है। ओके, यहां मैंने इसको 3 साइज में कट किया है। फिर ऐसे थ्रेड के ऊपर कलर लगना चाहिए, सो मैंने ये बाउल में कलर लिया और इसमें थ्रेड को डिप किया। ओके, तो ये पूरा थ्रेड रेड कलर का हो गया। फिर इस थ्रेड को ऐसे रखना है। ओके, फिर इसके ऊपर आपको ये दूसरा पेपर ऐसे रखना है और लेफ्ट हैंड से इसको नॉर्मली प्रेस करना है। और ये जो धागा है ना, यहाँ मेरे हाथ में है, उसको खींचना है। ओके, ये रहा थ्रेड। यहाँ से इसको ऐसे खींचना है और लेफ्ट हैंड से प्रेशर देना है। सी, अभी ये दूसरा थ्रेड है जिसको मैंने ब्लू कलर में डिप किया है, इसको भी ऐसे ही यहाँ रखना है। फिर उसके ऊपर कोई वेस्ट पेपर हो उसको रखना है, लेफ्ट हैंड से नॉर्मली प्रेस करना है और राइट हैंड से ये जो धागा है उसको खींचना है। ओके, ये तीसरा धागा है जिसको मैंने येलो कलर में डिप किया था। ओके, मैंने उसके ऊपर रफ पेपर रखा है और लेफ्ट हैंड से इसको नॉर्मली प्रेशर दूंगी और राइट हैंड से ये जो धागा है उसको खींचूंगी। So here I create this type of image. Okay, अगर आपको ये फ्लावर है और इसके नीचे आपको लीफ ड्रॉ करने हैं तो आप क्रेयॉन से ऐसे डायरेक्टली लीफ ड्रॉ कर सकते हो।
ओके यहाँ पे लाइट डार्क ग्रीन भी कर सकते हो। ओके अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट इट। यहाँ रफ पेपर पे मुझे ये इमेज मिली है, सी दिस इमेज। ओके आप चाहो तो इसको काट के भी किसी पेपर पे स्टिक कर सकते हो और इसका यूज कर सकते हो। ये मैंने नोटबुक में क्रिएट करना किया है। आपको एक पिक्चर नोटबुक में क्रिएट करना है और एक पिक्चर ऐसे क्रिएट करके उसके ऊपर आपको कार्ड बनाना है। चाहे तो तीनों स्ट्रिंग साथ लेके भी, तीनों धागे साथ में लेके भी आप क्रिएट कर सकते हो। ऐसे या फिर एक धागे के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कलर रख के भी इसको आप कर सकते हो। सी यहाँ मैंने तीन धागे को साथ में रख के किया है। एक धागे के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कलर करके भी आप कर सकते हो। ओके अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट इट। आपको ये पिक्चर ऐसे नोटबुक में क्रिएट करने हैं, फिर इसका यूज करके एक बर्थडे कार्ड बनाना है और उसके ऊपर सिंपली मैसेज लिखना है। अंडरस्टैंड, थैंक यू।